हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता परमार स्वागत करती हूं आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम बात करते हैं अलग अलग यूपीएससी और सीएससी की सक्सेस स्टोरीज को लेकर और डिफरेंट स्टडी मटेरियल को लेकर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो आज मैं आपके लिए एक सक्सेस स्टोरी ही लेकर आई हूँ। ये सक्सेस स्टोरी ऐसी है कि आपको इससे बहुत 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 मार्गदर्शन मिलेगा। ये कहानी है आईएएस विपिन गर्ग की, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 20 हासिल की थी यूपीएससी के एग्जाम्स में। पर ये कहानी शुरू करने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी आपसे कि प्लीज़ ये बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और हम ऐसे ही रूबरू होते रहें। राजस्थान के सवाई माधोपुर के रहने वाले आईएएस टॉपर विपिन गर्ग सफलताओं से पुराना रिश्ता लिए रखते हों जैसे, परंतु विपिन गर्ग ने इन असफलताओं को दरकिनार करते हुए तीसरे अटेम्प्ट में सिविल सर्विसेज की परीक्षा में 20वां स्थान भी हासिल किया। विपिन गर्ग की असफलताओं की शुरुआत तब से हुई जब वे 10वीं की परीक्षा आदर्श विद्या मंदिर से उत्तीर्ण करने के पश्चात कोटा में इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए कोचिंग करने गए और कोचिंग के एंट्रेंस एग्जाम में ही वे असफल हो गए। कोचिंग में प्रवेश न मिल पाने के कारण इनके डॉक्टर पिता ने इनका प्रवेश 11वीं कक्षा में करवा दिया, परंतु इनको 11वीं कक्षा में गणित विषय प्रदान करने के लिए इनके टीचर ने ही मना कर दिया। मजबूरी में विपिन ने 11वीं कक्षा में जूलॉजी और बॉटनी के साथ अपनी पढ़ाई शुरू कर दी, परंतु इसके साथ उन्होंने गणित की पढ़ाई कभी भी बंद नहीं की। विपिन जब 12th का एग्जाम दे रहे थे तो उसी वर्ष उन्होंने मेडिकल प्रवेश परीक्षा का भी एग्जाम दिया और वे मेडिकल की इस प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण भी हो गए थे, लेकिन उनकी आयु केवल 17 वर्ष होने के कारण उनका दाखिला मेडिकल कॉलेज में नहीं हो पाया था। विपिन गर्ग के पिता बताते हैं कि विपिन की जिंदगी में एक नया टर्निंग पॉइंट एक ऑटो ड्राइवर के कारण आया था। कैसे? उन्होंने विपिन की जिंदगी को पूरी तरीके से कैसे बदला एक ऑटो ड्राइवर ने, कैसे? वे बताते हैं कि विपिन एक दिन जब घर से ट्यूशन पढ़ने ऑटो से जा रहे थे तो रास्ते में उनकी जेब में रखा 100 रुपए का नोट ऑटो में ही गिर गया था। विपिन जब ऑटो से उतरे तो उनके पास पैसे नहीं थे, जिस पर ऑटो वाले ने उनसे किराया नहीं लिया और चला गया। परंतु कुछ ही समय पश्चात वे ऑटो ड्राइवर वाला वापस आया और उनके रुपए वापस करने लगा। इस घटना ने विपिन को यह शिक्षा तो प्रदान कर दी कि मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है और मेहनत का फल भी अवश्य ही मिलता है। इस घटना ने विपिन के जीवन में एक नई ऊर्जा भर दी थी। इस ऊर्जा के कारण विपिन को वर्ष 2009 में राजस्थान मेडिकल प्रवेश परीक्षा में द्वितीय स्थान और एम्स में 17वां स्थान और ऑल इंडिया पीएमटी में 22वां स्थान प्राप्त हुआ था। विपिन ने आईआईटी प्रवेश परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली थी और आईआईटी दिल्ली में प्रवेश लेकर 2 महीने पढ़ाई भी की थी, परंतु विपिन ने अपनी बड़ी बहन डॉक्टर कल्पना अग्रवाल से प्रभावित होकर मेडिकल की तरफ रुख कर लिया था और एम्स के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश भी ले लिया था। एम्स से एमबीबीएस पूरी करके उन्होंने आईएएस बनने में रुचि दिखाई। आईएएस की परीक्षा में 2 बार इंटरव्यू में विफल होने के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और आखिर तीसरे प्रयास में विपिन ने पूरे देश में 20वां स्थान हासिल कर लिया था। दोस्तों, तो ये थी आईएएस विपिन गर्ग की कहानी, जिसके लिए मैंने शुरुआत में कहा था कि आपको इनसे बहुत 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 मोटिवेशन मिलेगा। क्यों मिलेगा ये आपके सामने है क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि उन्होंने बिल्कुल हार नहीं मानी जब उनका कोचिंग में एडमिशन नहीं हुआ और उसके बाद उनका मेडिकल में भी नहीं हुआ क्योंकि उनकी एज कम थी, उनको मैथ्स भी नहीं दिया गया, लेकिन क्योंकि उन्होंने जो ठाना था वो उन्होंने करके दिखाया। और यूपीएससी की परीक्षाओं में भी जब 2 बार इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुए उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत ना हारते हुए फिर से एग्ज़ाम दिए और आखिरकार उन्होंने वो मुकाम हासिल कर ही लिया। तो आप भी कर सकते हैं दोस्तों, बस हिम्मत नहीं हारनी है, दृढ़ संकल्प रखना है, पूरी जिद से पढ़ाई करनी है, पूरी मेहनत करनी है, चाहे आपको कुछ समय के लिए कुछ चीज़ों से कटना भी पड़े, पर जब एक बार आप सफलता हासिल कर लेंगे तो सब कुछ आपको फिर से प्राप्त होगा, बल्कि पहले से बेहतर।
तो चलती हूँ मैं, फिर मिलूंगी आपसे यही प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक आप प्लीज ये बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और हम एक दूसरे से यूं ही रूबरू होते रहें। और साथ ही आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा, और अगर कर लिया है तो शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इसको सब्सक्राइब कर सकें और हमारे इस चैनल से ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त कर सकें। और अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए कोई बुक चाहिए हो या कोई भी बुक आपको उपलब्ध नहीं हो पा रही हो तो एक बार कांटेक्ट कीजिएगा प्रभात प्रकाशन से, या हमारा नीचे जो आपको वेबसाइट दी हुई है वहाँ पर कांटेक्ट कीजिएगा। आपको बुक्स के बारे में भी पता चलेगा और आपको हर बुक अवेलेबल भी हो जाएगी। आप उसे ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा भी सकते हैं और आपको वो मार्केट में भी मिल जाएगी। तो चलती हूँ मैं, फिर मिलूंगी आपसे यहीं पर। तब तक ख्याल रखिए, तैयारी कीजिए। धन्यवाद।